नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं युद्ध क्षेत्र से आ रही 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, जहां यूक्रेनी पायलटों की F-16 की ट्रेनिंग को लेकर अपडेट मिल रहा है ये कि जल्द ही उनकी F-16 की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। नेटो ने ट्रेनिंग की पुष्टि कर दी है। ट्रेनिंग के बाद यूक्रेन को जल्द ही F-16 जेट्स मिल सकेंगे। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने, IAEA चीफ ने ज़ापोरिज़्या प्लांट का दौरा किया, सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से बात की। डैम तबाही के बाद लगातार खतरा मंडरा रहा है, ये बात भी उनकी ओर से कही गई है। डैम तबाही से प्लांट की कूलिंग पर असर पड़ सकता है। तीसरी बड़ी खबर, रूस ने KH-35 मिसाइल को अपडेट किया है, अब लंबी दूरी तक अटैक कर सकता है ये मिसाइल। KH-35 ब्रियांस्क में तैनात किए गए हैं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन को बड़ी मदद देगा स्पेन, 20 आर्मर्ड कोस्टल कैरियर देगा स्पेन, 4 लेपर्ड टैंक भी जल्द भेजेगा स्पेन। पांचवी वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, वेपन फैक्ट्री पहुंचे दमित्री मेदवेदेव, तस्वीरें आपके सामने। मेदवेदेव हथियारों का प्रोडक्शन तेज करने के उनके ओर से निर्देश दिए गए हैं। मोर्टार माइंस एरियल बम का प्रोडक्शन तेज करने के निर्देश दिए गए। अगली बड़ी खबर, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक, 24 घंटे में 13 रूसी ठिकानों पर हवाई हमले, यूक्रेन का दावा, रूस के 20 ड्रोन मार गिराए गए। सातवीं ब्रेकिंग न्यूज, सुमी में रूस का जबरदस्त हमला देखा गया है, रूस ने 7 ठिकानों को टारगेट किया। रूसी हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर भी मिल रही है। सुमी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात की पुष्टि की। आठवीं ब्रेकिंग, खेरसों में रूस की भीषण बमबारी देखी गई है, रूसी हमले में एक की मौत, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। खेरसों के गवर्नर ने इस बात की पुष्टि की। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक हुआ है, D-20 होविट्जर गन से हमला किया गया है। घने जंगल में यूक्रेनी फौज ने ठिकाना बना रखा था, रूस ने जारी किया यूक्रेनी ठिकानों पर हमले का ये वीडियो। दसवीं ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, रूस ने किया 150 बच्चों का अपहरण, लुहांस से 150 बच्चों का अपहरण किया गया, बच्चों को अपहरण कर रूस ले गई है आर्मी, ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए। बेलारूस को रूस की तरफ से एटमी वेपन मिलने के बाद जिस बात का डर था वो आखिरकार हो गया। लुकाशेंको ने जो धमकी दी थी उसे कर भी दिखाया। परमाणु बम मिलने के बाद बेलारूस की तरफ से एक वॉर फ्रंट खुल गया है। बता दें आपको, यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि बेलारूस की तरफ से पोलैंड पर बड़ा हमला किया गया। दुनिया में दो वॉर फ्रंट के बीच अब रूस में गृह युद्ध का भी खतरा मंडराने लगा है। पुतिन से नाराज चल रहे वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने भी इस बात का दावा किया है। इस बुलेटिन में वॉर फ्रंट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। और बड़ी खबर आपके सामने ये, रशियन शहर कुर्स्क में भारी विस्फोट की खबर सामने आ रही है। धमाकों से कई इमारतों में आग लग गई है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। विस्फोट के बाद कुर्स्क में अफरा तफरी जैसा माहौल, धमाकों के पीछे ड्रोन अटैक की आशंका जाहिर की जा रही है। ये तस्वीरें कुर्स की है, जहां पर ड्रोन अटैक की आशंका जाहिर की जा रही है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, रूस यूक्रेन के बीच जंग के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच खबर आ रही है, डोनबास में यूक्रेनी सेना ने टैंक से घातक प्रहार किया है, AS-90 टैंक से रूसी ठिकानों को टारगेट किया गया। तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेन ने किस तरीके से टैंक से किया है घातक प्रहार, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के बीच एक और वॉर फ्रंट खुलने की आशंका लगातार बनी हुई है। बेलारूस की तरफ से पोलैंड पर हुआ है बड़ा हमला, पोलैंड के बॉर्डर गार्ड्स का बड़ा दावा सामने आया, जहां बेलारूस ने किया है पोलैंड पर अटैक, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो बेलारूस से ही सटा हुआ है पोलैंड, जहां पर लेटेस्ट हमले की ये बड़ी खबर सामने आई है। ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि बेलारूस की तरफ से पोलैंड के बॉर्डर पर एक हमला किया गया है, और ये खुद पोलैंड के बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से इस बात का बड़ा दावा किया गया है कि ये बड़ा हमला बेलारूस की ओर से किया गया है।
सवाल पड़ा ये कि अब क्या एक और नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है पोलैंड बेलारूस में, क्या युद्ध छिड़ने वाला है? रूस से आरपी वेपन मिलने के बाद बेलारूस का ये बड़ा एक्शन है, पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूस की तरफ से ये बड़ा हमला हुआ है। हमले में बाल बाल बचे हैं पोलैंड के बॉर्डर गार्ड्स। बता दें आपको, बेलारूस के हमले में पोलैंड की सर्विस कार तबाह हो गई है। अपडेट ये कि हमले में किस हथियार का इस्तेमाल हुआ इसकी जांच अब तेज कर दी गई है। रूस से न्यूक्लियर वेपन मिलने के बाद बेलारूस पोलैंड में इस वक्त भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्या यूक्रेनी सेना में बगावत होने वाली है? क्या यूक्रेनी सेना में फूट पड़ने वाली है? ये सवाल उस वक्त खड़े हो गए जब वॉर ग्राउंड से यूक्रेनी सेना के सरेंडर, डर और क्रोध की वीडियो रिपोर्ट आई। तो सवाल यह है कि आखिर यूक्रेनी सैनिक बागी रुख अख्तियार क्यों कर रहे हैं? हमारे एक्सक्लूसिव और रियल वॉर टाइम रिपोर्ट में जानिए। युद्ध के मैदान में नई और विध्वंसक मोनादी हो गई है। यूक्रेन का सर्वनाश तय होता जा रहा है। यूक्रेन की पराजय पर मोहर लगने वाली है। पुतिन के प्रहार से यूक्रेनी सेना के हौसले पस्त होते जा रहे हैं और इसी के साथ उसकी हार निकट आती जा रही है। पिछले 5 दिनों से रूस जिस विध्वंसक स्टाइल में हमले कर रहा है उससे न सिर्फ यूक्रेन तबाह होता जा रहा है बल्कि यूक्रेनी सेना की हिम्मत भी जवाब दे रही है। सैनिकों के दिल में डर घर कर गया है, इसीलिए यूक्रेनी सैनिक लगातार सरेंडर कर रहे हैं। कई जगहों से यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर का वीडियो भी सामने आ चुका है। यूक्रेनी सेना के पास न हथियार हैं और न ही रसद। रूसी स्ट्राइक में तमाम यूक्रेनी जवान मारे जा रहे हैं, इसलिए जान बचाने के लिए अब ये जवान सरेंडर कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना का सरेंडर तस्वीर नंबर 1। यूक्रेनी सेना का सरेंडर तस्वीर नंबर 2। यूक्रेनी सेना का सरेंडर तस्वीर नंबर 3। यूक्रेनी सैनिक सिर्फ सरेंडर नहीं कर रहे हैं बल्कि नेटो और ज़ेलेंस्की पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स को बेकार हथियार मिल रहे हैं इसलिए वो ठीक से जंग नहीं लड़ पा रहे हैं। एक यूक्रेनी सैनिक का ऐलान सुनिए। На маршруте отхода наблюдали очень много брошенного боеприпасов, прям очень много иностранного производства, именно НАТО, да. Потом повязки срывали желтые, что вот нам показалось как раз странным. Очень много желтых повязок именно срывали и уходили в сторону границы. यूक्रेनी सैनिकों में इस वक्त क्रोध है, हार का डर है, मारे जाने का भय है। यही वजह है कि अब वो खुलकर बोल रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या रूस के प्रहार से यूक्रेनी सेना के हौसले टूट रहे हैं या ज़ेलेंस्की सेना में दो फाड़ होने वाला है? क्या यूक्रेनी सेना का एक धड़ा विद्रोह करने वाला है या इसी विद्रोह के बाद यूक्रेन की हार तय हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बगावत की वजह क्या है? जवाब है रूसी प्रहार की दहलाने वाली तस्वीरें। पिछले 5 दिनों से पुतिन पलटन यूक्रेन को इसी तरह तबाह करती जा रही है।
बड़ी तादाद में यूक्रेन के जवान मारे जा रहे हैं, हथियार खत्म हो रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट इस बात का ऐलान कर रही है कि यूक्रेन का बचना असंभव है। ज़ापोरिज़्या में रूसी सेना ने यूक्रेनी पोजीशन को इस तरह से धुआं धुआं कर दिया। ज़ापोरिज़्या फ्रंट पर ही पुतिन के एलिगेटर ने बारूद बरसाकर नेटो के हथियारों को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने रॉकेट अटैक किया तो यूक्रेनी सेना का ठिकाना जलकर राख हो गया। ज़ापोरिज़्या की तरह ही पुतिन सेना ने डोनेस्क, ओडेसा और सूमी को भी दहला दिया है। यहां यूक्रेन को बड़ा आघात लगा है। डोनेस्क में रूस ने कई जगहों पर बमबारी की जिसमें यूक्रेन के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो गए। ओडेसा में क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से घातक प्रहार हुआ। यहां भी यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंची है। सुमी में कुछ इस तरह रूस ने यूक्रेन के कई टैंकों की कब्र खोद दी। लुहांस्क में ऐसा बारूदी बवंडर आया कि यूक्रेनी सेना बर्बाद हो गई। रूस ने मिसाइलें दागकर खार्किव को खंडहर बना दिया है। क्रिवी री में रशियन आर्मी ने फिर से मिसाइल स्ट्राइक की। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी सेना का अटैक देखा गया है। यूक्रेन की व्हाइट वुल्फ यूनिट ने रूसी टैंक को उड़ा दिया है। रैपिडा एंटी टैंक गन से 7 रूसी टैंक को तबाह किया गया है। 2D30 होवित्ज़र तोप से अटैक किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर आपके सामने, पूर्वी यूक्रेन में जंग तेज हो गई है। यूक्रेनी सेना ने यहां पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अपडेट ये मिल रहा है, रशियन बेस को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया जा रहा है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया है, जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मन चांसलर का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर बात करना बहुत जरूरी है। जर्मन चांसलर की ओर से कहा गया है, युद्ध के बीच बड़ी तैयारी कर रहे हैं पुतिन। पुतिन का प्लान फेल करना बहुत जरूरी है। ओलाफ शोल्स की तरफ से यह बड़ा बयान। तो क्या है पुतिन का कब्जाधारी प्लान, जिसको लेकर जर्मन चांसलर कर रहे हैं आगाह। चलिए उसको लेकर कुछ जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। रूस के प्लान को लेकर जर्मन चांसलर ने किया है बड़ा दावा। ओलाफ शोल्स ने क्या कहा है बता दें आपको, पुतिन पड़ोसी देशों की जमीन हड़पना चाहते हैं, ये कहा है ओलाफ शोल्स ने। इसके अलावा उनकी तरफ से कहा गया है, पुतिन का प्लान फेल करने के लिए उठाने होंगे बड़े कदम। और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया ये भी जान लीजिए, बेलारूस की भी जमीन हड़पने की तैयारी में है पुतिन। ये बड़ा दावा भी जर्मन चांसलर की ओर से किया गया है। साथ ही साथ यूरोपीय देशों को यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर बात करने की जरूरत है, ये भी जर्मन चांसलर ने कहा है। साथ ही साथ यूक्रेन की सुरक्षा से ही पुतिन के हौसले पस्त होंगे, ये बड़ी बात भी उनकी ओर से कही गई है। यूक्रेन की जंग में पुतिन को न सिर्फ सैन्य उपकरणों का नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि कई संबंधों को भी गंवाना पड़ा है। यहां तक कि पुतिन के बेहद करीबी दोस्त ने ही बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। पुतिन के ये दोस्त है वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन, जो तल्खी में इतने आगे निकल गए हैं कि अब क्रेमलिन से ही पुतिन को बेदखल करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आखिर कैसे बिगड़े पुतिन और प्रिगोजिन के रिश्ते, क्यों पहले प्रिगोजिन और पुतिन हुए एक दूसरे से नाराज, देखिए इस रिपोर्ट। क्रेमलिन के दो ऐसे चेहरे जिन्हें रूस की तरफ से जंग के मैदान में उठाए जाने वाले हर कदम के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इनमें पहला नाम है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का और दूसरा है वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का।
यूक्रेन के वॉर जोन में बरस रहे बारूद के लिए जिम्मेदार यही दो चेहरे माने जाते हैं। जो जंग के शुरुआती दौर से लेकर मध्य तक इतने गहरे दोस्त थे कि प्रिगोजिन को क्रेमलिन के शेफ के तौर पर पहचाना जाता था, जिसका मतलब था बिना किसी रोक टोक के क्रेमलिन के किचन तक एंट्री वाला शख्स। लेकिन जंग के मध्य में जब प्रिगोजिन अपनी प्राइवेट आर्मी के साथ यूक्रेन में मोर्चा संभालने पहुंचे, तब से रिश्तों पर बारूद की कमी ने दरार डालनी शुरू की, जो अब क्रेमलिन पर अधिकार की खाई बन गई। तो क्या पुतिन के खिलाफ क्रेमलिन में ही मोर्चा खुल गया? क्या पुतिन प्रिगोजिन की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है? क्या प्रिगोजिन क्रेमलिन को कंट्रोल में लेने की तैयारी में है? इन सवालों का जवाब प्रिगोजिन के तेवर से ही मिल रहे हैं, और तेवर ये है कि पुतिन जो चाहते थे उसे करने से प्रिगोजिन ने साफ इनकार कर दिया है। खबर के मुताबिक पुतिन वैग्नर ग्रुप से सेना का अनुबंध आगे बढ़ाना चाहते थे, प्रिगोजिन की निजी सेना का जंग में इस्तेमाल चाहते थे, लेकिन वैग्नर चीफ प्रिगोजिन ने समझौते से इनकार कर दिया। उन्होंने समझौते से इनकार करने के लिए हाल ही के अनुभव को आधार बनाया, यानी सीधे सीधे प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है, और प्रिगोजिन के इस तेवर को पुतिन की आज्ञा की अवहेलना के तौर पर देखा जाने लगा है। ऐसा क्यों? इसे प्रिगोजिन के ताजा बयान के आधार पर समझिए। प्रिगोजिन के मुताबिक वैग्नर ग्रुप का कोई भी लड़ाका फिर से शर्मिंदा नहीं होना चाहता, वो शर्मिंदगी की राह को नहीं चुनना चाहता, इसलिए हम अनुबंध पर दस्तखत नहीं करेंगे। यानी प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी के साथ जो पिछले समय घटा उससे प्रिगोजिन और उनके लड़ाके आहत हैं, इसलिए पुतिन की मांग को खारिज करने में भी वैग्नर चीफ ने एक पल का भी वक्त नहीं लगाया। लेकिन अब अपनाए गए इन तेवरों से पुतिन की नाराजगी भी साफ दिखने लगी है, इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन ने वो किया जिससे प्रिगोजिन पुतिन की दोस्ती दुश्मनी में बदलने के संकेत मिलने लगे। दरअसल रूस सेना से अनुबंध ना करने की घोषणा के बाद रक्षा मंत्री और प्रिगोजिन में विवाद बढ़ गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वैग्नर को सीधे कंट्रोल करने की अपील की है। रक्षा मंत्रालय की अपील का प्रेसिडेंट पुतिन ने भी समर्थन किया है। अब पुतिन ने प्रिगोजिन के फैसले को अवज्ञा मानते हुए नाराजगी जाहिर की है। इसका मतलब ये है कि अब पुतिन और प्रिगोजिन के बीच एक ऐसी खाई बन गई है जिससे पाट पाना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन इसका असर क्या होगा? क्या प्रिगोजिन के खिलाफ एक्शन होगा या फिर पुतिन पर कोई संकट मंडराने लगा है? सवाल इसलिए क्योंकि तैयारी अब क्रेमलिन पर कब्जे की है। दावे के तहत फ्रीडम लीजन से जुड़े विद्रोही क्रेमलिन को टारगेट कर सकते हैं। क्रेमलिन की सत्ता हासिल करने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, और सत्ता हासिल करने के लिए विद्रोही लड़ाके वैग्नर को साथ आने की अपील कर रहे हैं। यानी रूस के विद्रोही क्रेमलिन में बदलाव चाहते हैं, वो भी प्रिगोजिन को साथ लेकर। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं प्रिगोजिन के बगावती तेवर रणनीति से प्रभावित है, जिसका प्रमाण एक और खुलासा है, और खुलासा ये कि चेचन फोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल एडम डेलिन खानोव की लोकेशन लीक हुई थी, जिन पर हमला हुआ और वो घायल हो गए, और इस लोकेशन लीक में प्रिगोजिन का हाथ होने की आशंका जताई गई, हालांकि बाद में डेलिन खानोव के जिंदा होने का दावा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर बता दें आपको, ज़ापोरिज़्या से सामने आ रही है जहां रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सैनिकों ने यहां पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रूसी सैनिकों पर फायरिंग करते यहां पर यूक्रेनी सैनिकों को देखा जा सकता है। अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल मैक्स प्रो से अटैक किया गया। अगली बड़ी खबर आपके सामने, रूस का K-52 हेलीकॉप्टर से जबरदस्त हमला देखा गया है। यूक्रेनी टैंकों को यहां पर टारगेट किया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे जहां पर यूक्रेनी टैंकों पर लगातार हवाई फायरिंग कर रहा है रूस। ये तस्वीरें आपके सामने, पश्चिम से मिले टैंकों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं।
इधर वैगनर चीफ का रूस पर बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है। रूस में सिविल वॉर का खतरा मंडरा रहा है, ये वैगनर चीफ की ओर से कहा गया है। रूस में विद्रोह की आशंका है, ये कहना येवगेनी प्रिगोजिन का। बता दें आपको, रूस के सैन्य नेतृत्व में बदलाव जरूरी है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। रूसी इलाकों पर हो सकता है कब्जा, येवगेनी प्रिगोजिन की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। तो क्या है रूस में गृह युद्ध की चेतावनी, इसको लेकर कुछ जरूरी जानकारी आपके सामने हम जल्दी से रख देते हैं। वैगनर चीफ के दावों के क्या है मायने, इसको आपको समझा देते हैं। देखिए, सैन्य नेतृत्व नहीं बदला तो सिविल वॉर होगा, ये प्रिगोजिन की ओर से कहा गया है। रूस में आंतरिक विद्रोह की आशंका लगातार बढ़ रही है, ये दावा भी उनकी ओर से करा गया। एक साल पहले सैन्य नेतृत्व बदल जाता तो हालात रशिया के लिए बेहतर होगी, ये बात भी उनकी ओर से कही गई है। इसके साथ ही साथ प्रिगोजिन के दावे के मायने क्या है से भी समझा रहे हैं। हालात सुधारने के लिए सूबे के लीडर जल्द कोई एक्शन ले, ये उनकी ओर से कहा गया। यानी अगर जल्द नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता है तो हालात बिगड़ जाएंगे, ये कहा गया है। रूस की टॉप टू मिलिट्री ग्रुप में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बड़ी बात भी प्रिगोजिन की ओर से कही गई है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को प्रिगोजिन सीधी चुनौती यहां पर दे रहे हैं अपने इन दावों के जरिए। शोइगु से रक्षा मंत्रालय छीनना चाहते हैं प्रिगोजिन, ये सवाल भी इन दावों के बाद उठ खड़ा होता है। तो वैगनर चीफ के दावों के मायने क्या है, ये आपको हम समझा रहे हैं। साथ ही साथ जेलेंस्की को बारूद और हथियार देकर क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उसके बदले में रिश्वत ली, ये बड़ा सवाल अमेरिका में उठा है। अमेरिका में रिश्वत कांड को लेकर तूफान खड़ा हो गया। इस मामले में बाइडेन बड़े संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन and his family members engaged in a $5 million bribery scheme. वॉर के बीच बाइडेन पर बड़ा संकट। बाइडेन का रिश्वत कांड अमेरिका में भूचाल। Yeah, this is the Senate, where the other side of the... This is the Senate. Do you have those 17 recordings? क्या बेटे ने बाइडेन को फंसाया? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनके बेटे पर संगीन आरोप लगे हैं। बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन पर लगे रिश्वत कांड के आरोप का मुद्दा अमेरिका में तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर यूक्रेन से $5 बिलियन के रिश्वत लेने का आरोप है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में बाइडेन और हंटर बाइडेन की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि यूक्रेन के पास बाइडेन और हंटर बाइडेन के साथ हुई बातचीत की 17 रिकॉर्डिंग है। यह मुद्दा अमेरिकी सीनेट में भी उठा। रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। बाइडेन को लेकर इस रिश्वत कांड का खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहा है और अमेरिका उसे हथियार देकर हर तरह से मदद पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बाइडेन और उनके बेटे पर लगे आरोपों ने अमेरिकी राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन इस कथित रिश्वत कांड के बारे में जब मीडिया ने जो बाइडेन से सवाल किया तो उन्होंने ऐसा जाहिर किया मानो कुछ हुआ ही ना हो या फिर उन्हें कुछ पता ही ना हो। बाइडेन ने रिश्वत कांड पर पूछे गए मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। बाइडेन तो इस मसले पर मीडिया के सामने कुछ नहीं बोले, लेकिन अमेरिकी संसद में इस मामले पर हंगामा बरपा हो गया। सीनेट में FBI के डिप्टी डायरेक्टर को भी पेशी के लिए बुलाया गया और उनसे इस बारे में सफाई मांगी गई, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को इसके बारे में जून 2020 में एक सीक्रेट सोर्स के जरिए पता चला था। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर्स ने FBI को इस मामले में फटकार भी लगाई और ये जानना चाहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके बेटे को यूक्रेन से कथित रिश्वत आखिर क्यों दी गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाइडेन को रिश्वत के रूप में यूक्रेन की एक गैस कंपनी से $5 मिलियन का पेमेंट मिला था। उस यूक्रेनी कंपनी में बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन बोर्ड मेंबर थे। हंटर बाइडेन ने उस कंपनी में लंबे समय तक काम किया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यूक्रेन की उस कंपनी के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ इस मामले में अभी जांच चल रही है।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों से पहले बाइडेन अपने दामन पर लगे इस कथित रिश्वत कांड के दाग से छुटकारा कैसे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेनी ठिकानों पर पूरी रात बमबारी की खबर सामने आ रही है। स्वातोवो में रूस ने अटैक किया है, पूरी रात बमबारी हुई है। क्रिमिनिया में भी कई ठिकानों को टारगेट किया गया है, तस्वीरें भी आपके सामने। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेनी ठिकानों पर पूरी रात बमबारी की खबर सामने आ रही है। स्वातोवो में रूस ने अटैक किया है, पूरी रात बमबारी हुई है। क्रिमिनिया में भी कई ठिकानों को टारगेट किया गया है, तस्वीरें भी आपके सामने हैं।